gazillion. Oh, you love me gazillion. Thank you so much. Kissy time. Yum. वंदे मातरम। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे और सुरक्षित होंगे। स्टार प्लस के फेमस टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के एक्टर करण मेहरा को आप नैतिक के तौर पर बखूबी जानते होंगे। उनकी पत्नी निशा रावल जो खुद एक अभिनेत्री हैं, उन्होंने करण मेहरा पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई है। बीते रोज करण मेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया था। निशा रावल का कहना यह है कि काफी समय पहले से ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, छोटा सा बेसिक घटना के बारे में बताएं। सर, महिला कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में आई थी कंप्लेंट करने के लिए अपने पति के खिलाफ। तो पुलिस स्टेशन में उनके पति के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया और सर क्या कुछ चार्जेस लगाए हैं? उनके ऊपर उनको जो मारपीट हुई है तो कुछ मैंने जो जख्म हुए उसके हिसाब से हमने सेक्शन 22 पर हमने लगाए हुए और एज पर एक्शन। थैंक यू। हाल ही में सोशल मीडिया पर करण और निशा का एक फनी वीडियो सामने आया है, जिसमें करण निशा रावल को थप्पड़ मारते हुए नजर आए हैं। भले ही ये वीडियो फन और एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाया गया था, पर अब लोगों का गुस्सा करण मेहरा पर ट्रोलिंग बनकर बरस रहा है। आई एम शूटिंग यू, चल काम कर करण मेहरा। निशा रावल के सपोर्ट में उनकी दोस्त मोनिशा कोटवानी ने अपना पक्ष रखते हुए जो कहा वो आप भी सुनिए। नमस्ते एंड हेलो, दिस इज मोनिशा कोटवानी। मैं, रोहित वर्मा, कश्मीरा शाह, हम लोग यहाँ सब सुबह से निशा के साथ है एंड शी विल बी डाउन इन 10 मिनट्स टू एड्रेस यू ऑल रिगार्डिंग एवरीथिंग। लेकिन मुझे ये बोला गया है कि मैं आपको ये मैसेज पहुँचा दूँ कि एज हर फ्रेंड एंड एज हर फैमिली ये ज़रूर है कि हमसे अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, सो वी हैव टू स्पीक अप नाउ। अंत में बात यही है कि दोनों पक्षों की तरफ से संगीन आरोप एक दूसरे पर लगाए गए हैं। गौरतलब करने वाली बात ये है कि मामला किस मोड़ पर आकर थमेगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में आपकी क्या राय है। फिलहाल वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल इंटेंस अनाउंसमेंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। वंदे मातरम।